CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। पिछले कुछ समय से बॉलीवुड के मशहूर तीनों खानों में से एक आमिर खान बहुत ज्यादा सुर्खियों में हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में आमिर खान अपनी दूसरी पत्नी किरण राव से अलग हो गए हैं। आमिर खान और किरण का यह रिश्ता 15 साल तक चला, जिसके बाद हाल ही में आमिर खान ने यह रिश्ता समाप्त कर दिया है, या बोल सकते हैं कि तोड़ दिया है। इसी के चलते आमिर खान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसके साथ ही खबर यह भी आ रही है कि आमिर खान बहुत जल्द तीसरी शादी करने वाले हैं। जब लोगों को आमिर खान की तीसरी पत्नी के बारे में पता चला तो सभी लोगों ने आमिर खान की बहुत ज्यादा आलोचना की और बोले कि आमिर इस हद तक गिर गए कि वह अपनी बेटी से ही शादी करने वाले हैं। इसके अलावा भी सोशल मीडिया पर आमिर को लोगों ने बहुत सारी खरी खोटी सुनाई। आइए आपको बताते हैं कि वह कौन है जिससे आमिर खान तीसरी शादी करने वाले हैं। आमिर खान की सोशल मीडिया पर सुर्खियों में रहने की दो वजह है। पहली तो यह कि आमिर खान हाल ही में अपनी दूसरी पत्नी किरण राव से रिश्ता तोड़ दिया है या अलग हो गए हैं, और दूसरी वजह यह है कि आमिर खान बहुत जल्द तीसरी शादी करने वाले हैं, वह भी उससे जिसे आमिर खान ने बेटी बोला है। आपको बता दें, जिससे आमिर खान की शादी होने वाली है उनका नाम फातिमा है, जिसे आमिर खान ने बहुत बार बेटी कहकर पुकारा है। जी हां, आमिर खान फातिमा से बहुत जल्द ही निकाह करने वाले हैं। निकाह इसलिए क्योंकि फातिमा और आमिर दोनों ही मुस्लिम हैं। आप सभी के अंदर यह जानने की बहुत ज्यादा उत्सुकता होगी कि आखिर आमिर खान ने फातिमा को बेटी बोलकर क्यों पुकारते थे। आइए आपको बताते हैं क्यों सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि आमिर खान अपनी बेटी से ही शादी करने वाले हैं। आमिर खान बॉलीवुड के बहुत बड़े अभिनेता हैं, जिसके चलते सभी लोग इन्हें अच्छी तरह जानते हैं। आमिर खान के बारे में बताएं तो उन्होंने आज से कुछ साल पहले एक फिल्म की थी जिसका नाम दंगल था। यह फिल्म पर्दे पर सुपरहिट रही। फिल्म में आमिर खान ने दो रेसलर बेटियों के बाप का किरदार निभाया था। उन दो बेटियों के नाम थे गीता बबीता। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिल्म में गीता जैसा महत्वपूर्ण किरदार फातिमा ने ही निभाया था। यह फातिमा वही हैं जिससे आमिर खान बहुत जल्द तीसरी शादी करने वाले हैं। फिल्म के प्रमोशन के दौरान आमिर खान ने कहा था कि फातिमा बिल्कुल मेरी बेटी की तरह है, लेकिन अब शायद आमिर खान यह बात भूल चुके हैं और सूत्रों से पता चला है कि आमिर फातिमा से ही शादी करने वाले हैं। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर लोग आमिर खान को खरी खोटी सुना रहे हैं, क्योंकि जिसे उन्होंने बेटी बोला उससे अब वो शादी करने वाले हैं।